हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस लॉ सीरीज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समरी ट्रायल की। यस, समरी ट्रायल जो सीआरपीसी के सेक्शन 260 से 265 के अंदर दिया गया है। तो चल, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समरी ट्रायल है क्या, प्रोविजंस क्या दिए हुए हैं सीआरपीसी के अंडर में, क्या क्या ऑफेंस समरी ट्रायल हम कर सकते हैं और किन किन मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो समरी ट्रायल कर पाए, कुछ जो एक्सेप्शन है और किस अदर मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, अपील हो सकती है कि नहीं हो सकती, रिविजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि समरी ट्रायल है क्या। जैसा कि हम देख सकते हैं, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि समरी, समरी मतलब किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, सिंप्लीफाई कर देना बड़ी चीज़ को। तो समरी ट्रायल जो है चैप्टर 21 में दिया गया है और सेक्शन 260 से 265 के अंडर दिया गया है। समरी ट्रायल मीन्स स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनी समरी केसेस। समरी केस कैन बी ट्राइड एंड डिस्पोज ऑफ एट वंस। एक ही में उसको ट्राई कर सकते हैं, एक ही प्रोसीडिंग में, और एक ही उसी में है इसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, एक ही हियरिंग में, एक ही सिटिंग में सब कर सकते हैं, इसीलिए इसे हमें स्पीडी ट्रायल कहते हैं। पर जहाँ पे कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे वहाँ पे हम कभी भी स्पीडी ट्रायल नहीं करेंगे, समरी ट्रायल नहीं करेंगे उन केसेस में जिस केस का मेरिट ये कहता है कि ये फुल एंड लेंथी इंक्वायरी करनी चाहिए, उस केस में हम कभी भी समरी ट्रायल नहीं करेंगे। हमने दो तरीके के केसेस देखे थे, वारंट केस एंड समन केस। तो हम दोनों ही किसी केस को भी समरी ट्रायल कर सकते हैं। समरी का मतलब होता है कि स्पीडी डिस्पोजल, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेस सीरियस नेचर का कोई क्राइम है और जहाँ पे ज़रूरी नहीं है, या तो ऑफेंडर फर्स्ट टाइमर है या जो भी सिचुएशन है, जहाँ पे लगता है कि नहीं सिंप्लीफाई तरीके से करनी चाहिए चीज़ें, इसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं हम और रिकॉर्ड जो करते हैं उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए। ऑब्जेक्ट क्या है समरी ट्रायल का? द ऑब्जेक्ट इज टू हैव ए रिकॉर्ड विच इज सफिशियंट फॉर द पर्पज ऑफ जस्टिस एंड नॉट सो लॉन्ग एज टू इम्पेड ए स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस। जो रिकॉर्ड हम करते हैं, इसका पर्पज ये है कि वो उतना ही रिकॉर्ड कर जितना सफिशियंट है किसी भी केस में जस्टिस देने के लिए, ना कि फालतू काम बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो करें, जो बहुत ही सीरियस केसेस में हम फॉलो करते हैं कि एक भी चीज़ छूट ना जाए। तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे लेस कॉम्प्लेक्स केसेस हों, लेस सीरियस केसेस हों, हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन केस को, किस किस केस को हम ट्राई कर सकते हैं समरी ट्रायल के थ्रू। इस प्रोसीजर से समन केस का ट्रायल होता है जैसे प्रोसीजर वारंट केस का ट्रायल होता है, वैसे ही हम उन्हें समरी ट्रायल कहते हैं कि उन्हीं केस को हम कैसे समरी ट्रायल, और छोटे से कैसे समरी डिस्पोजल भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि समरी ट्रायल इज समरी ओनली रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रोसीडिंग एंड नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग देमसेल्फ। हम जो प्रोसीडिंग में चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं समरी, उसको छोटा करते हैं, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ना कि प्रोसीडिंग इट्स सेल्फ। प्रोसीडिंग तो पूरी ही होनी चाहिए कि वो प्रेजेंट होता है, एक्यूज गिल्टी प्ली करता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, बस हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम जल्दी कर सकते हैं। जैसे कहा ना कि एक ही हियरिंग में ट्राई भी कर सकते हैं और केस डिस्पोज ऑफ भी करते हैं अगर सीरियस नहीं है। तो समरी ट्रायल का मतलब ये होता है। चलिए देखते हैं कि सेक्शन 260 में क्या दिया हुआ है। सेक्शन 260 में दिया हुआ है कि पावर टू ट्राई समरी, किस किस को पावर होती है कि वो केस को, ये डिस्क्रिशनरी पावर मजिस्ट्रेट की होती है, ये कोई आपका राइट नहीं है। अगर उसे लगता है कि ये केस ऐसे करना चाहिए, ऐसे फॉलो करना चाहिए इस केस को, तो उस केस में वो अलाउ कर देते हैं कि चलिए इसे हम समरी ट्रायल करते हैं। तो एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, any magistrate of first class specially empowered in this behalf by high court, इनके पास normally इन तीनों के पास power होती है, एक discretionary power होती है कि आप किसी भी case को, या warrant case या summon case, आप किसी भी case को summary trial कर सकते हैं। If in the course of trial it appears that nature of case is such that it is undesirable to try it summary fashion, magistrate may recall any already examined witness and rehear the case afresh. और जब वो summary try कर रहे होते हैं, इनमें से कोई भी magistrate जो है केस को try कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये केस fit नहीं है कि सब summary तरीके से follow करें, बिकॉज दूसरे सीरियस टाइप का
केस निकल आया, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, तो समरी, अगर हम समरी ट्रायल करेंगे तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जस्टिस नहीं डिलीवर हो पाएगी। तो वो क्या उनको जैसे लगता है कि नहीं ड्यूरिंग द प्रोसीजर की ट्रायल की नहीं इसे दूसरे तरीके से ट्राई करना चाहिए हमें, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, जो भी विटनेस पहले से आ चुके हैं या उन्हें जो सुन सके उन्हें फिर से बुला सकते हैं और फिर से सुन सकते हैं सब कुछ उनके उनसे। अब देखते हैं ऑफेंस विच कैन बी ट्रायबल समरी लीजिए, किस किस ऑफेंस को हम ट्रायल कर सकते हैं। ये एग्जॉस्टिव नहीं है पर सेक्शन 260 में ये 9 तरीके ऑफेंस दिए हुए हैं जिन्हें हम समरी ट्रायल कर सकते हैं। ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। मैं फिर बता दूं ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, वो चाहे तो इसे समरी ट्रायल कर सकता है, अदरवाइज समन की तरह फॉलो कर सकते हैं। थेफ्ट जो सेक्शन जो आईपीसी के अंडर दिए हुए हैं ऑफ प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडेंट, तो था 2000 रुपीज, जो कहीं चोरी होती है, कोई पिक पॉकेटिंग करता है, कुछ भी करता है, जिसका अमाउंट जो चोरी हुआ अमाउंट चोरी का जो सामान हुआ है जो भी चोरी हुई है वो 2000 के ऊपर की नहीं है, तो इस केस में भी हम समरी ट्रायल कर सकते हैं। रिसीविंग एंड रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडेंट 2000 रुपीज। असिस्टिंग इन कंसीलमेंट, उसको छुपाने में या तो डिस्पोज ऑफ करने में जो प्रॉपर्टी चोरी की गई है उस केस में। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास होता है जो सेक्शन 454 या 456 में आईपीसी के दिया हुआ है। इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ए ब्रीच ऑफ पीस जो सेक्शन 504 आईपीसी का दिया हुआ है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो सेक्शन 506 में दिया आईपीसी के। ये जो ऑफेंसेस है सारे, इन सब केसेस में आप मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, वो समरी ट्रायल कर सकता है। उसे लगता है कि जरूरी है कि समरी ट्रायल कर ले, जल्दी स्पीडी डिस्पोजल चाहिए, कोई खास मेरिट नहीं है केस में, तो उसे समरी डिस्पोजल कर सकता है। अब अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंस, जो अभी हमने ऑफेंसेस देखे उसका अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब उसको बढ़ावा देना, जो अगर इनिशिएट करा, अगर किसी को हम बढ़ावा देने की चोरी करो तो वो भी एक क्राइम है, बढ़ावा देना भी एक क्राइम है, तो वो भी समरी ट्रायल कर सकते हैं। एंड अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंसेस व्हेन सच अटेम्प्ट इज आल्सो एन ऑफेंस। अटेम्प्ट भी करना थेफ्ट का, अगर वो चोरी, अगर चोरी करना आपका अटेम्प्ट ही चोरी करना अगर वो भी क्राइम है, तो अगर कोई अटेम्प्ट भी करता है चोरी करने का, तो उसमें समरी ट्रायल फॉलो कर सकते हैं। एनी ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट बाय एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेंट मे बी अंडर सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट 1821 में, कोई क्राइम करता है सेक्शन 20 के अंदर, तो उस केस को भी हम समरी ट्रायल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, बिल्कुल पावर है उनकी। ऑफिस अंडर एनी लोकल एंड स्पेशल लॉ कैन ऑल्सो बी समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट इफ दे फुलफिल कंडीशंस, जो दी हुई है कंडीशन उसमें दी गई है, ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। वेदर ए केस ये ट्रायल समरी और नॉट मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड द टेस्टिमोनी ऑफ कंप्लेनेंट। जो ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है उसमें ये कहता है कि ये कोई भी केस, वो वारंट केस है, समन केस है, उसे समरी ट्रायल करना है कि नहीं करना, ये मजिस्ट्रेट की अपनी पावर होती है। और वो हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देख के कहता है कि अगर ये ट्रायल कर सकते हैं कि नहीं, कैसा ऑफेंस हुआ है, नेचर क्या है ऑफेंस का, और टेस्टिमोनी ऑफ कंप्लेनेंट कैसा। अब डिफेंड अप जो पर्सन होगा, इफ एनी पर्सन डिफेंड अप, उनके लिए तो ये समरी ट्रायल बहुत आसान तरीका रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, जल्दी जल्दी चीजें खत्म हो जाएंगी, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जब नॉर्मल लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है तो डिफेंडर लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी, तो उनके लिए तो ये इजी है। तो ये मजिस्ट्रेट की पावर होती है, वो डिसाइड करे कि केस करना है, तरह से फॉलो करना है कि नहीं करना है। इन ए समरी ट्रायल ऑल केसेस शुड बी ट्राइड बाई समन प्रोसीजर, वेदर द केस इज वारंट केस और समन केस। एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल द मजिस्ट्रेट enters the accused plea and finding in a prescribed form. जो procedure follow होता है एक summary trial में, वैसे भले ही वो warrant case हो या summon case हो, वो हमेशा summon तरीके से ही follow किए जाएंगे। summon case का जो procedure है वो section 250 से 259 of criminal procedure को 1973 में दिया है, कैसे summon में जो procedure follow होता है वही प्रोसीजर हम कोई भी केस को अगर हम समरी ट्रायल कर रहे हैं तो वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, भले ही वो वारंट केस हो या समन केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट लास्ट जो है वो मजिस्ट्रेट, जब ट्रायल चलती है तो मजिस्ट्रेट कॉन्क्लूजन मजिस्ट्रेट क्या कहे, क्या क्या प्ली रिकॉर्ड करेगा कि अक्यूज की क्या क्या प्ली है, और फाइंडिंग क्या है, प्रिस्क्राइब फॉर्म। जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो हमेशा गवर्नमेंट बताती है कि क्या क्या ऑफेंस हम समरी ट्रायल कर सकते हैं स्टेट को, किस फॉर्म में हमें रिकॉर्ड अपना बनाना है, ये स्टेट गवर्नमेंट बताती है। नो फॉर्मल चार्जेस फ्रेम्ड,
एज अभी कहा कि ये समरी इसमें सम्मन प्रोसीजर फॉलो होता है समरी ट्रायल में, तो नो फॉर्मल चार्ज नहीं फॉर्म किया जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं होती है। देयर कैन बी एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन टू द हाई कोर्ट, पर अपील नहीं होती है। जहाँ पे जो फाइन अवार्ड दिया है कोर्ट ने समरी ट्रायल करते जो अवार्ड दिया है वो 200 रुपये से अगर कम है, सिर्फ फाइन है और 200 रुपये से कम है, तो उस केस में अपील नहीं होती है। हाँ, देयर कैन बी एप्लीकेशन फॉर रिविजन टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में हम रिविजन फॉलो कर सकते, रिविजन के लिए डाल सकते हैं एप्लीकेशन। चलिए अब देखते हैं कि ये तो हमने बता दिया कि क्या किसकी क्या पावर होती है और किस कोर्ट के क्या क्या ऑफेंस समरी ट्रायल हो सकते हैं। अदर सेक्शंस भी दिए हैं जो बताएगा कि कुछ वो एक्सेप्शन है और प्रोसीजर क्या है फॉलो करने का, रिकॉर्ड करने का, कैसे हम समरी ट्रायल में जो प्रोसीजर रिकॉर्ड है उसे रिकॉर्ड करेंगे, और थोड़े जो एक्सेप्शन और दिए हुए हैं। तो सेक्शन 261 कहता है कि अभी तक हमने देखा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही केस फाइल समरी ट्रायल कर सकते हैं, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। पर अगर हाई कोर्ट, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को अगर एम्पावर करता है कि जिस केस में सिर्फ फाइन है या फिर इम्प्रिजमेंट, जो इसमें 6 महीने ज्यादा की इम्प्रिजमेंट की सजा नहीं दी गई है विथ और विदाउट फाइन, उस केस में अगर स्पेशली एम्पावर करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को हाई कोर्ट, तो इस केस में वो भी केस को समरी ट्रायल कर सकते हैं, पर इसके लिए उनके स्पेसिफिकली ऑर्डर देना पड़ेगा, उन्हें एम्पावर करना पड़ेगा। और प्रोसीजर क्या है, संबंध प्रोसीजर को फॉलो करना, ये पहले जान चुके हैं कि समरी ट्रायल में संबंध प्रोसीजर ही फॉलो करना, पर 3 क्वालिफिकेशन जरूर उस संबंध प्रोसीजर के साथ 3 क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए, मतलब तीन और कंडीशन दी गई जिन्हें हमें समी प्रोसीजर के साथ प्लस 3 मोर प्रोसीजर हमको फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं समी प्रोसीजर, संबंध प्रोसीजर जो पहले दिया हुआ है सेक्शन 250 से 259 तक, वो उस तरीके से ही रहेगा। अब उसके बाद और क्या जरूरी है, रिक्वायर्ड है, और क्या मैंडेटरी प्रोविजन से देखते हैं। No sentence of imprisonment for more than 3 months can be passed in any conviction under this chapter. Summary procedure में क्या होता है कि maximum 2 years होते हैं, उसके बीच आप कुछ भी पास कर सकते हैं, 8 महीने, 1 साल, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, 1 साल, पर जो summary trial जो हम करेंगे, केस जो भी करेंगे, उसमें सेंटेंस कभी भी 3 महीने के ऊपर नहीं हो सकती, कन्विक्शन होगी नहीं। और अगर लगता है कि 3 महीने से ज्यादा ऊपर हो रही है, तो फिर हम उसे समन के से वारंट केस की तरह ट्राई करेंगे, ना कि समरी ट्रायल उसकी नहीं होगी। इन एवरी केस ट्राइड समरीली द मजिस्ट्रेट मस्ट इंटर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। अब जो भी केस अब समरी ट्रायल कर रहा है, अब डिसाइड कर लिया कि अब इस केस को हम समरीली ट्रायल करेंगे, तो हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड में क्या क्या चीज हम लिखेंगे। सीरियल नंबर ऑफ द केस जरूरी होगा, डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस जरूरी होगा, डेट ऑफ रिपोर्ट और कंप्लेन इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट होगा उसमें, नेम, पैरेंटेज, माँ बाप कौन है, कहाँ रहता है, एक्यूज वो होगा, ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड द ऑफेंस इफ एनी प्रूव एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस इज कमिटेड। जो ऑफेंस कमिट, क्या ऑफेंस कंप्लेंट हुआ है, अगर कोई ऑफेंस प्रूफ हो जाता है कि हाँ चोरी का, मानिए हमने कंप्लेन कराई कि चोरी का ऑफेंस हुआ है, और ये प्रूफ हो जाता है कि चोरी हो जाता है, तो फिर चोरी की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी, ये एंड ऑफेंस ऑफ विच ऑफेंस इज कमिटेड, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ये हमें स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी। प्ली ऑफ द एक्यूज एंड ही एग्जामिनेशन, अगर एक्यूज कोई प्ली करता है कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने चोरी की, या फिर उसका एग्जामिनेशन जो भी होगा इफ एनी, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमारी फाइंडिंग क्या है वो भी करेंगे हम रिकॉर्ड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फाइंडिंग कि हमें क्या लगता है, उसने फॉर्मल चार्जेस फॉर्म नहीं हो रहे यहाँ पर फाइंडिंग तो होगी कि इसने किया है कि नहीं किया है, जिस अगर किया है तो क्या किया है, क्या नहीं किया है, तो रीजन ये कि नहीं किया है, सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर। और हम उसे जब फाइंडिंग हमारी आ गई कि इसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया, तो हम उसे सेंटेंस देंगे, फिर हमारा फाइनल ऑर्डर क्या, अगर नहीं किया है तो उसे हम छोड़ देंगे, तो हमारा सेंटेंस और फाइनल ऑर्डर क्या है। डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, सेशन 263 में कहता है कि किस दिन को ये प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो रही है, ये सब रिकॉर्ड में लिखा होना मैंडेटरी है। In every case tried summarily in which accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of evidence and a judgment containing a brief statement of reason for finding. और उन सब केसों में जब जो accused है वो कहता है कि नहीं मैं तो guilty नहीं हूँ, मैंने तो काम ही नहीं किया, मैंने तो चोरी नहीं की, तो फिर procedure, तो मैंने कहा कि record को simplify करते हैं, proceeding को नहीं, तो जितने procedure है वो तो follow होंगे पर short form में होंगे,
तो इसमें जो एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे, अब हमने देखा कि समरी ट्रायल में क्या होता है कि एक ही केस में एक ही दिन ट्राई होता है, उसी दिन हम डिस्पोज ऑफ भी कर देते हैं। तो उसी दिन हम देखेंगे मजिस्ट्रेट जिसमें एक्यूज कहता है कि नहीं मैंने तो चोरी नहीं की, मैंने तो कोई और क्राइम नहीं की, मैंने तो क्राइम नहीं किया है, गिल्टी नहीं प्ली कर रहा है, तो उसके से मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, एविडेंस जो भी रिकॉर्ड किए हैं वो एंड जजमेंट, रीजन होना चाहिए फॉर जजमेंट का, फाइंडिंग का, कि क्यों आप इस जजमेंट पे आए हैं, वो रीजन होना बहुत जरूरी है। तो रीजन होना चाहिए और एविडेंस जो रिकॉर्ड किया आपने वो जरूर लिखेंगे इसमें। एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड साइन बाय द मजिस्ट्रेट। कोर्ट की लैंग्वेज में सारी जजमेंट होगी, उनकी जो फाइनल ऑर्डर होगा, रिकॉर्ड होगा, जो जजमेंट होगी कोर्ट की और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होगी, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, वैरी करता है ये, एंड साइन बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया जाएगा। देर इज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे नो लिमिट एज टू द अमाउंट ऑफ फाइन विच मे बी इम्पोज इन अ समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में सजा पे तो है 3 महीने से ज्यादा हम नहीं दे सकते कन्विक्शन पर, उसकी लिमिट नहीं है, जो फाइन इम्पोज करेंगे उसकी लिमिट नहीं दी गई है। ए सेंटेंस एक्सीडिंग 3 months कैन नॉट बी पास इन समरी ट्रायल इफ द कोर्ट कंसिडर दैट ए लॉन्गर सेंटेंस इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, द ट्रायल शुड बी हेल्ड एज इन ए वॉरेंट केस और ए समन केस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस। अभी मैंने आपको यही बताया था कि फाइन में लिमिट नहीं है, पर 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते, 3 महीने ज्यादा अगर करते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट इसको समन केस या ट्रायल केस की तरह फॉलो करे, उसमें कोई इशू नहीं है। द रिकॉर्ड ऑफ ए समरी ट्रायल इज केप्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इन समरी ट्रायल नो फॉर्मल चार्जेस रिक्वायर्ड। जितने भी फॉर्म होंगे किस तरह से रिकॉर्ड करने हैं, चीजें करनी है समरी ट्रायल में, वो सब स्टेट गवर्नमेंट बताते हैं, क्या क्या ऑफेंस हम समरी ट्रायल कर सकते हैं ये भी स्टेट गवर्नमेंट बताते हैं, एंड फॉर्मल चार्ज नहीं फॉर्म होता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मल चार्ज फॉर्म नहीं होता, यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट समन केस में जो प्रोसीजर फॉलो होता है उसमें होता है, फॉर्मल चार्ज चाहे नहीं फॉर्म होता है, वारंट में इट इज मैंडेटरी, समरी ट्रायल हमेशा समन प्रोसेस अगर फॉलो किया जाता है एंड फॉर्मल चार्ज फॉर्म नहीं होता। ये स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेज, जो बहुत बहुत सीरियस बहुत माइन्यूट केसेज होते हैं, ऑफेंस होते हैं, जिसमें जरूरी भी नहीं कि इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेले, कि हमें पता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर वो ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए है, जो सिंपल से ऑफेंसेस हैं उनके लिए समरी ट्रायल फॉलो करना काफ़ी सही रहता है, और मजिस्ट्रेट पर ये एज ऑफ राइट नहीं होता है, और मजिस्ट्रेट पर मैंडेटरी भी नहीं होता है, ऑब्लिगेशन भी नहीं होता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मजिस्ट्रेट चाहे तो करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा ये समरी ट्रायल क्या है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि समरी ट्रायल को बताइए, क्योंकि ये ऐसा प्रोसीजर है जो ऑफेंस को, जो ट्रायल होती है ऑफेंस को बहुत छोटा कर देता है, तो ये जनरल रूल नहीं है, इट इज़ नॉट ए जनरल रूल, तो ये एक्सेप्शन में ही आता है प्रोसीजर लॉ के, कि जहाँ पे लिखा होता है कि नहीं हर केस को मेरिट पे एकदम फुल लेंथ पे इंक्वायरी ट्रायल सब होनी चाहिए, उस जगह पे अगर आप समरी ट्रायल दे रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।